राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? हम अभी मथुरा से निकले हैं वृंदावन के लिए, तो दीवारों पे मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बने हुए थे, और उसके बाद ज़्यादातर दीवारों पे ना कृष्ण जी और राधा जी की छवि बनी हुई थी, राधा कृष्ण की, और कृष्ण जी का बाल रूप और बहुत सारे राक्षसों का जो वध किए उन्हीं सब पे आधारित चित्र बने हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मनमोहक, बहुत ही सुंदर। यहाँ सभी के जुबा पे राधे राधे का नाम सुन करके भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग भी राधे राधे बोलने के लिए वहाँ पे रहते रहते कुछ दिन में मतलब कि प्रैक्टिस हो गई थी, तो बोलने ही लगे थे सबको राधे राधे। तो अभी देख सकते हैं ये एक मंदिर है जो कि क्या तो नाम बताया था गोलू, मुझे याद नहीं है। और यहाँ ज़्यादातर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि घूम रहा है, तो कम से कम एक महीना का वक्त लगे तभी पूरा मंदिर घूम सकते हैं। तो हम तो बस एक सप्ताह ही रुके थे, और कितना सारे मंदिर तो अभी बन भी रहे हैं, काम लगा हुआ है। और एक रास्ता जो था ना गोलू के घर पे जाने का, वो बाके बिहारी का जो मंदिर है उसी रास्ते से होकर के जाता था, तो वो रास्ता बंद किया हुआ था, तो हम लोग दूसरे रास्ते से घूम के गए थे। और यहाँ पे एक मंदिर में प्रोग्राम भी चल रहा था पूजा का, तो दो गाड़ी चेंज करने के बाद हम उतरे, और थोड़ा सा पैदल जाना था, तो बीच रास्ते में ही गोलू की बड़ी दीदी मिल गई थी प्रीति और उसकी बेटी, वो लोग मार्केट जा रहे थे, तो मैं तो पहचानी ही नहीं क्योंकि वो नकाब लगाई हुई थी। तो बोली कि मार्केट जा रहे हैं और नकाब इसलिए लगा लिए क्योंकि धूप है बहुत, इसलिए। तो हम लोग फिर यहाँ से मिलने के बाद चले गए कि तुम लोग जाओ मार्केट, हम चलते हैं घर। तो फिर हम लोग घर गए तो गोलू बोला कि सबसे पहले आप जाइए, हम वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी अगल बगल की आई हुई थी, तो उनको लगा ना कि हम प्रीति की फ्रेंड है, तो वो बोले कि राधे राधे, तुम बोले कि राधे राधे। फिर बाद में दीदी देखी तो वो पहचान गई हमको कि निभा, तो वो गले लगा ली। और उसके बाद जीजा जी को भी पैर छुए तो वो बोलते राधे राधे, तो फिर हमने भी राधे राधे बोला। और उसके बाद हम लोग बहुत थके हुए थे तो इसलिए सोचे कि ब्रश वगैरह करें, नहाए धोए रेडी हो, तो वही आराम करने का मन कर रहा था, तो हम ब्रश वगैरह करके नहा धोवा के रेडी हो गए। तो अभी देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए हैं, जो मिठाई हम लेकर के गए थे ना नवोदम का, तो उसको पहले भोग लगाए लड्डू गोपाल को, उसके बाद हम लोग सब लोग खाए थे। तो यहाँ गोलू बैठा हुआ है, नाश्ता वगैरह कर रहा है, वो तो नहीं नहाया हुआ है, पर हम नहा धो करके रेडी हो गए थे। और शाम में जाना था घूमने, तो यहाँ पे देखिए अभी खाने का तैयारी भी चल रहा है, और हम लोग नहा धो के रेडी हो ही गए थे, आराम किए कुछ देर, और उसके बाद जाना है शाम में घूमने। तो बाकी का वीडियो आगे आएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।